हेलो फार्मर्स, जय शिवराय, गुड मॉर्निंग। एग्री ब्रदर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो ऑन फार्मर्स डिमांड, करंटली जो फार्मर्स सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसके ऊपर आज का वीडियो बनने वाला है। तो वीडियो अपना ये रहेगा कि अपने को थ्रिप्स कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। करंटली क्या हो रहा है कि जो ब्लैक थ्रिप्स है, लोगों ने बहुत मतलब प्रॉब्लम फेस किया है कि ब्लैक थ्रिप्स कंट्रोल नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो आज अपन उसके बारे में ढूंढेंगे, बात करेंगे कि ब्लैक थ्रिप्स किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, उसका स्टेजेस कौन कौन सा है, ब्लैक थ्रिप्स और येलो थ्रिप्स में क्या क्या अंतर है, बाकी उसका उसके लिए कौन कौन से इंसेक्ट लगेंगे, इंसेक्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं अपन, उसका डोसेज क्या रहेगा, कीमत क्या रहेगी, ये सब जानकारी अपन कंट्रोल कर मतलब बता देंगे आपको। और अभी कुछ फार्मर के सवाल भी जो थे, जो उन्होंने मुझे ये वीडियो बनाने से पहले कुछ कॉल आए थे, तो मैंने उनसे कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश किया था कि उनके जो जो प्रॉब्लम है मुझे जो दिख रहे हैं मेरे प्लॉट में या कुछ में, तो उसके अलावा फार्मर्स को क्या क्या प्रॉब्लम है ये मैंने पूछ लिया था, तो जो कि आपको भी बेनिफिशियल रह सके। तो इसी के साथ अभी चालू करते हैं कि थ्रिप्स की लाइफ साइकिल क्या रहती है। तो थ्रिप्स बेसिकली क्या करता है, थ्रिप्स के दो टाइप रहते हैं करंटली। पहले तो हमारे यहाँ पे क्या होता था, येलो थ्रिप्स आते थे, येलो या गोल्डन थ्रिप्स बोलते थे। तो अभी क्या हो रहा है कि ब्लैक थ्रिप्स आ रहा है। तो पहले फार्मर लोग क्या बोलते थे कि सर हमने पहले ट्रेसर यूज़ किया, डेलीगेट यूज़ किया, फिप्रोनिल यूज़ किया, इमेडा यूज़ किया, बहुत सारी दवाई यूज़ कर ली, बट हमारा तब येलो थ्रिप्स था वो एक झटके में क्लियर हो जाता था। अब ब्लैक थ्रिप्स जो है वो कंट्रोल ही नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम कौन कौन से इंसेक्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं, तो पहली बात जान लो, ब्लैक थ्रिप्स और येलो थ्रिप्स दोनों अलग अलग क्यों है। ब्लैक थ्रिप्स जो है वो समर में आता है, मतलब अभी पिछले 3-4 सालों से वो दिखाई दे रहा है, 3-4 सालों से दिखाई दे रहा है, पिछले साल से वो ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहा है। मतलब वो उसने तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ऐसे 4-5 स्टेट जो है वहाँ पे ज़्यादा अटैक कर रहा है। तो बेसिकली जब इसकी जो मेन 3 स्टेज है, अडल्ट, एग और लार्वा, तो एक स्टेज में तो दोनों सेम रहते हैं, ब्लैक और येलो जो है एक स्टेज में दोनों ही रहते हैं। ब्लैक थ्रिप्स पहले जो है ना गोल्डन थ्रिप्स में ही रहता है, बट बाद में जैसे जैसे वो फीडिंग कंज्यूम कर लेता है उसके बाद वो अपना कलर चेंज कर लेता है और अपने आप को ज़्यादा ताकतवर बना लेता है। और क्या हो रहा है कि फार्मर को कंसल्टेंट कोई बता देता है या कोई अच्छा वाला फार्मर बता देता है कि हमने ट्रेसर यूज़ कर लो, कुछ भी हो जाता है ट्रेसर यूज़ कर लो। ट्रेसर से क्या हो रहा है कि उसका रेसिस्टेंस बढ़ गया है, तो इसलिए ट्रेसर का दवाई एक वक्त तक यूज़ कर लेते हैं तो ठीक है, बाद में वो यूज़ नहीं करो क्योंकि आपका पैसा उतना वेस्ट चला जाएगा। आप मैं फार्मर को यही सजेस्ट करूँगा कि आप नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनाओ अपने अपने हिसाब से, वो कॉम्बिनेशन ट्राई करो, अलग अलग दवाइयाँ यूज़ करो जिससे आपका कंट्रोल हो सके। तो अभी सबसे पहले फार्मर को जानना क्या है कि ब्लैक थ्रिप्स का अटैक जो है अपने पौधे पे अटैक हुआ है तो वो कौन सी स्टेज में है या कितने परसेंट में अटैक हुआ है, ये अगर जानना रहेगा तो आपको मैं बेसिक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। सबसे पहले आपका थ्रिप्स अटैक रहेगा ना वो नए वाले पत्तों पर रहेगा, नए वाले पत्तों पर रहेगा, ये आपकी पहली स्टेज है। आपको तभी दिखाई देगा कि पत्तियाँ मुरझा रही है, तो आपको तभी ध्यान देना है कि स्प्रे वगैरह कंटिन्यू लेने ताकि वो आगे की स्टेज पे ना बढ़े। पहले आपको उस पे दिखेगा, दूसरी स्टेज में आपको फूल पे दिखेगा, फूल के अंदर का वो खा लेगा, फिर बाद में वो फूल की ड्रॉपिंग हो जाएगी, इससे आपका प्रोडक्शन भी लॉस होगा, फ्रूट भी ये नहीं होगा, फ्लावर भी ब्लूम नहीं होगा। बाकी तीसरी स्टेज रहेगी आपकी, वो आपके फ्रूट के ऊपर दिखाई देगा, फ्रूट के ऊपर पूरा का पूरा घेरा बना लेता है, और चौथी स्टेज में फ्रूट के अंदर दिखाई देता है। तो ये 4 स्टेजेस पे काम करता है वो। तो मैं तो ट्राई करूँगा कि फार्मर को ऑब्जर्वेशन रखना है आपको कि आपके पत्तों के ऊपर ही दिखाई देता है, आप कंटिन्यू स्प्रे ले लो, उससे आपको पता चलेगा कि आप कौन सी स्टेज पे हो और आपको कितना दवाई का यूज़ करना है या कितना ध्यान देना है प्लॉट पे। ये 4 स्टेजेस देख के आप पता कर सकते हो। बाकी अभी क्या होता है कि आप फार्मर का क्या गलत फहमी होता है कि मैं एक स्प्रे मार दिया
फिर 4 दिन तक कंट्रोल हुआ, फिर 5वें दिन फिर से थोड़ा अटैक हुआ। तो उसका उसका भी रीज़न क्या है कि आप अगर कोई दवा मारते हो तो वो थ्रिप्स को मार देता है, अडल्ट स्टेज और लार्वा स्टेज को मार देता है, बट उसके जो अंडे जो है, अंडे मारने के लिए आपको ओइसाइड ही चाहिए। ओइसाइड मतलब क्या, वो इंसेक्टिसाइड जो आपके अंडे मार सके। थ्रिप्स जो है बेसिकली अंडे से जन्म लेता है, तो वो उसके अंडे पत्तों के नीचे नहीं तो ज़मीन के अंदर डाल देता है। तो उससे क्या होता है कि एक बार हैचिंग हो गई अंडे की, फिर से वो अडल्ट लार्वा स्टेज पे आ जाता है और फिर से अटैक करना चालू कर देता है। तो इसलिए अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से आपको ओविसाइड यूज़ करने हैं, जिससे आपके ज़मीन के अंदर के अंडे भी थ्रिप्स के मर जाएंगे, और कौन कौन से स्प्रे लेने हैं जिससे आपका ब्लैक थ्रिप्स भी कंट्रोल आ जाएगा। आपको दोनों बैलेंस में कर दोगे तो आपका रिजल्ट एक साथ बैठेगा, नहीं तो आप जैसे नॉर्मल ट्रेडिशनल तरह से करते आओगे तो आपका 4 दिन तक स्प्रे से कंट्रोल हो जाएगा, फिर से अटैक बढ़ेगा, फिर से अटैक हो जाएगा, मतलब आपकी ये साइकिल रुकेगी ही नहीं। तो मैं आपको कुछ कॉम्बिनेशन बताऊंगा, कुछ दवाइयाँ बताता हूँ। तो सबसे पहले फार्मर्स के भी कुछ सवाल इसमें मैंने नोटेड किए थे, तो अभी बता देता हूँ। पहले आपको ओविसाइड कौन कौन से यूज़ करने हैं, तो आपको ओविसाइड में क्या करना है, ओविसाइड मतलब क्या, जो अंडे मार सकता है, तो आपको ड्रेंचिंग भी कर सकते हो जब अटैक आता है, वीकली एक ड्रेंचिंग तो चाहिए ही चाहिए आपको, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। कराटे, कराटे मतलब क्या, सिंजेंटा का कराटे है, उसमें लैम्डा साइलोथ्रिन वो यूज़ कर सकते हो। क्लोरोपाइरिफॉस, उसकी ड्रेंचिंग करते हो या ड्रिप से छोड़ देते हो तो भी चलता है। तीसरा है क्यूरोक्रॉन, क्यूरोक्रॉन में आता है प्रोफेनोफॉस, वो भी छोड़ोगे ड्रेंचिंग में तो भी चलेगा। तो ये जो है ये 3 महीने बता दिए, बट उसके अलावा अगर आपको चाहिए तो आप थाइमेथोक्सोम भी यूज़ कर सकते हो, सिंजेंटा का एक्ट्रा। उससे क्या होता है कि ड्रिप से डाल दोगे आप या ड्रेंचिंग कर लोगे तो पौधों के अंदर उसका इफेक्ट रहेगा, तो सकिंग पेस्ट जो अपने आते थ्रिप्स रहेगा या वाइट फ्लाई भी रहेगा तो उस पर कंट्रोल आ सकता है, क्योंकि वो सिस्टेमिक है। बाकी रहा सवाल अपने को स्प्रे कौन से लेने हैं, सबसे खास बात अपनी ये है कि अपने को स्प्रे कौन से लेने हैं जिससे अपना ब्लैक थ्रिप्स वगैरह कंट्रोल में आ सकता है। तो सबसे पहला अपना था कि डायनासोर, डायनासोर जो है डॉल्फिन पायराइड आता है, ये 15% इसी फॉर्म में आता है। ये है बेसिकली भारत सर्टिस का है, ये कंटेंट जो है अपना टेक्निकल, ये टेक्निकल आपको दूसरे कौन से भी कंपनी के नाम में दिखेगा नहीं। बेसिकली ये क्या करता है कि जो स्टेज आपको 3 स्टेज बताए थे मैंने कि एग, लार्वा, अडल्ट, ये तीनों स्टेज पे ये इंसेक्टिसाइड काम करता है। तो इसकी कीमत क्या रहेगी, तो कीमत इसकी है 2400 रुपये पर लीटर के हिसाब से, और इसकी डोसेज क्या है, तो डोसेज आप 2 ml पर लीटर के हिसाब से कर सकते हो। तो इसका यूज़ करने के बाद ये 24 से 48 घंटे में ये पूरी तरह से काम कर लेता है, 24 से 48 घंटे में ये पूरी तरह से काम कर लेता है। 24 घंटे में आपको रिजल्ट आधा दिखेगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई कंट्रोल आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये क्या करता है कि ये रेसिडुअल एक्टिविटी जो है उसके खाने की पचन शक्ति उस पे ही रोक लगा देता है और किल कर देता है। और रहा सवाल दूसरा, तो दूसरा इंसेक्टिसाइड आप क्या यूज़ कर सकते हो, तो दूसरा यूज़ करना है आपको BASF कंपनी का एक्सपोनस, BASF कंपनी का एक्सपोनस, ब्रोफ्लेनालाइड कंटेंट है उसमें। वो क्या करता है, वो मेटा इंसेक्टिसाइड है, मेटा डायमाइट ग्रुप का इंसेक्टिसाइड है। वो सकिंग पेस्ट के लिए, मतलब बेसिकली जो BASF कंपनी है उसमें वो थ्रिप्स के कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट दवा उन्होंने बनाई हुई है। तो वो आपका सकिंग पेस्ट, च्यूइंग पेस्ट, थ्रिप्स या फील्ड लिप माइनर, ये सब कंट्रोल कर देगा। बेसिकली वो थ्रिप्स के लिए तो बहुत बढ़िया काम करता है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वो यूज़ कर लो। और इसी में तीसरी दवा आती है एलेक्टो, एलेक्टो ये इंडोफिल कंपनी का आता है, इंडोफिल इंसेक्टिसाइड का आता है। तो ये दवा जो है इसमें भी ब्रोफ्लेनालाइड है, बट ये क्या होता है कि ये इसमें है ना ट्रांसलैमिनर एक्शन है, कॉन्टैक्ट एक्शन प्लस ट्रांसलैमिनर एक्शन है। मतलब क्या है कि समझो आज मेरा ये पत्ता है, मैं दवा मारता हूँ तो दवा इसके पत्तों के ऊपर पड़ती है, तो ट्रांसलैमिनर एक्शन मतलब क्या कि नीचे की साइड पर अगर मेरा कोई इंसेक्ट है
और पत्ते के ऊपर भी दवा पड़ती है, तो नीचे वाला इंसेक्ट जो है उसको मार सकता है, मतलब उसका असर पत्ते के ऊपर मारोगे तो नीचे का भी इंसेक्ट मर सकता है या उसका असर नीचे भी दिखता है, तो उसको बोलते हैं अपन ट्रांसलैमिनर एक्शन। तो वो एलेक्टो में जो है ना वो खासियत है कि वो ट्रांसलैमिनर एक्शन है, मेटाडायमाइट इंसेक्टी ग्रुप का इंसेक्टिसाइड है। और दूसरी बात क्या है कि ये सकिंग प्लस चूइंग जो है, जो चूसने वाले इंसेक्टिसाइड रहते हैं, अपना थ्रिप्स रहेगा, वाइट फ्लाई रहेगा, उसके ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। तो ये भी अपने तीनों स्टेज पे काम कर देता है एलेक्टो को, मतलब क्या है कि अपना एग, लार्वा, अडल्ट, ये तीनों के तीनों स्टेज पे काम कर देता है। और उसका डोसेज कितना रहेगा या उसकी कीमत कितनी रहेगी, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो, 50 ml की बॉटल आती है जिसकी कीमत 2000 है, और 25 ml की एक आती है उसकी कीमत है लगभग 1000 रुपये के आसपास। तो आपको 200 लीटर के बैरल में 50 ml डालना है और उसका रिज़ल्ट आपको 24 घंटे में दिख जाएगा। अगर पंप के हिसाब से बोलोगे तो इंडोफिल का जो एलेक्टो आता है मैं वो सजेस्ट करूँगा आपको, क्योंकि क्या होता है कि उसका पंप का हिसाब आएगा 15×60 6 ml पर पंप के हिसाब से आएगा, बट उसके रिज़ल्ट बहुत बढ़िया है। अभी कुछ फार्मर्स के सवाल थे वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या उनके सवाल थे। एक फार्मर ने पूछा था कि ब्लैक थ्रिप्स और येलो थ्रिप्स में क्या अंतर है, तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं ज़्यादा। वो बेसिकली हॉट रीजन में आता था ब्लैक थ्रिप्स, बट उसने अपना रेसिस्टेंस बना लिया है तो अभी वो ठंडी के मौसम में भी ज़्यादा अटैक कर रहा है। और ब्लैक थ्रिप्स का लाइफ साइकिल पूछोगे तो लाइफ साइकिल के बारे में, मतलब दोनों एक स्टेज में तो दोनों सेम रहते हैं, बट जैसे ही वो अपना फीडिंग ज़्यादा बढ़ा लेता है फिर वो अपना ब्लैक थ्रिप्स में कन्वर्ट कर लेता है। ब्लैक थ्रिप्स पहले येलो में ही रहता है। अब अगर आपका थोड़ा ऑब्जर्वेशन रखोगे, मुझे तो ये ऑब्जर्वेशन में नज़र आ रहा है कि जब अपना एक स्टेज से अंडे से वो बाहर निकलता है तो वो गोल्डन में रहता है, बट जैसे जैसे अपने फीडिंग बढ़ा लेता है या अपना खाना बढ़ा लेता है, अपना रेसिस्टेंस बढ़ा लेता है, फिर वो ब्लैक में कन्वर्ट होता है। तो ये हो गया दूसरा। बाकी कौन से आप उनके स्टेजेस और कंट्रोल बताइए क्या क्या यूज़ कर सकते हो। हाँ, तो मैंने आपको कंट्रोल के लिए ये अभी 3 इंसेक्टिसाइड बता दिए। बाकी वीकली एक बार कौन सा ओविसाइडल इंसेक्टिसाइड छोड़ना है वो भी बता दिया है, वो क्यों छोड़ना है वो भी बता दिया है, ये इंसेक्टिसाइड की कीमत, डोज, बाकी सब चीज़ें बता दिया है। बट क्या होता है कि मैं अभी आपको 2 इंसेक्टिसाइड बताऊँगा, आप 2 ही इंसेक्टिसाइड मारोगे तो ये कंट्रोल में हो तो जाएगा, बट फार्मर आपको हल्का हल्का बढ़ते बढ़ते हुए पूरा, मतलब क्या है कि एक टाइम से नहीं बढ़ाइए। आज समझो मुझे पत्तों पे अटैक दिखाई देता है ना, तो वो कम से कम एक हफ्ते तक आपके फ्रूट के ऊपर दिखाई देगा, वो हल्के 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 तरह से जाता है। और क्या होता है कि ये बेसिकली ब्लैक थ्रिप्स का इशू कहाँ पे आ रहा है कि जो चिली रहेगी, कैप्सिकम रहेगी, कलर कैप्सिकम रहेगी, ये जो चिली फैमिली की साइड के है तो उसमें ज़्यादा अटैक आता है, बेसिकली कैप्सिकम में ज़्यादा आता है। समझो आज मेरा कैप्सिकम पे पत्तों पे अटैक है, पत्ती अगर मुड़ भी जाती है थोड़ी सकिंग पेस्ट की वजह से थोड़ी सी, तो इसको रिकवरी के लिए कम से कम एक हफ्ता लगता है, एक हफ्ते तक वो रिकवरी नहीं कर पाता। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको थोड़ा इंसेक्टिसाइड का अटैक थोड़ा ज़्यादा होता है इंसेक्ट का, तो आपको इंसेक्टिसाइड थोड़े ठीक ठाक यूज़ कर रहे हैं, पीएच का बैलेंस करना है, और उसके साथ इंसेक्टिसाइड के साथ स्टिकर डालोगे तो बढ़िया रहेगा, जो कि स्टिक करके रखेगा इंसेक्ट को। आप इतनी महंगी दवा यूज़ कर रहे हो तो स्टिकर का दवा इस्तेमाल कर लो अच्छी तरह से। और दूसरी बात कि उन्होंने क्या बताया था कि कॉम्बिनेशन और कोई बता सकते थे, अभी दो इंसेक्टिसाइड के आपको मेन तो ये यूज़ करने ही करने हैं, बट उसके अलावा आपको कौन कौन से कॉम्बिनेशन चाहिए तो वो भी बता देता हूँ। एक फार्मर का वही भी सवाल था कि हमको 3-4 दवाई के साथ अच्छे कॉम्बिनेशन बताओ, तो आप उसमें यूज़ कर सकते हो रिजेंट जिसमें फिप्रोनिल होता है, एक उलाला और ईसाबेन, आपको ये तीनों मिक्स करना है, मतलब रिजेंट में आएगा आपको, रिजेंट आएगा 2 ml से, फिप्रोनिल आएगा अपना उलाला आएगा 0.5 g पर लीटर के हिसाब से, ये यूज़ करोगे तो भी आपका थ्रिप्स बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल होता है। और रहा सवाल इंटरप्रिड प्लस रोगर, ये भी कॉम्बिनेशन आप ट्राई कर सकते हो, इंटरप्रिड
क्लोरोफेनापायर उसका कंटेंट है, रोगर में भी रोगर भी अच्छी तरह से यूज़ करता है अपन थ्रिप्स के लिए। तो इंटरप्रिट अपना माइटीसाइड है, मतलब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आपके हिसाब से देख लो, और कम कॉम्बिनेशन आपको खुद को बनाने रहेंगे तो भी मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है कि वो 50 ml का ढक्कन जो आता है वो आपको ढक्कन लेना है, उसमें दो दवाइयाँ जो आपको कॉम्बिनेशन के लिए यूज़ करनी है वो 1-1 ml 2-2 ml डाल दो, और वो दूध जैसा फटता है अगर वो ऐसा फटता है तो आप कॉम्बिनेशन वो ट्राई मत करो। आपको बेसिक रूल बता दिया है कि केमिकल्स का कॉम्बिनेशन किस तरह से बनाने हैं, तो अगर कॉम्बिनेशन नहीं फटता है तो आप आपके हिसाब से यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है या वहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। चलो और हाँ, कि अगर आपको अपडेट चाहिए फार्मिंग में, अगर डेली हम क्या प्रोसीजर करते हैं, हम जैसे एग्रीब्रदर्स मोर देन 100 acres पे काम कर रहा है, तो अगर आपको वो देखना है कौन कौन से क्रॉप पे कर रहे हैं या एडवांस लेवल में फार्मिंग किस तरह से कर रहे हैं, तो आप हमें ig.theagribrothers इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हो, और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चलो देखते हैं, मिलेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।